इसलिए वो घर पे आके उस तरफ देख के इस तरफ कंप्लेंट कर रही है। उसको कह रही है तू बावड़ी हो रही है, तू देर कहा रही हो, बोर कहा रही हो, एक काम करो तुम लोग सब लोग मिलकर तुम मेरे बालों को बदनाम करते हो चोर के, कभी तो उनके हाथ पकड़ के लेते हो उसको, तो मैं भी मान लू कि मेरा बालक जो है वो चोरी करता है, उसको पता है अंदर से चोरी करता है, लेकिन एक बार तुम अगर रंगे हाथ ले आओगे तो मैं भी समझ लूंगी, क्योंकि मेरे घर से मैं उसको गले तक भर के माखन खिलाती हूँ, इतना तो खिलाती हूँ कि वो और खा नहीं पाता है, इसी कारण खिलाती हूँ कि वो जाकर दूसरे के घर में खाए नहीं। और आप कह रहे हो इतना भर के खाने के बाद यहाँ मना कर रहा है, मत नहीं मत तो कर रहा है, आपके घर में तुरंत जाके खा रहा है, ये विश्वास करना मुश्किल है। तो गोपियाँ भी एक बार क्या करती है, ऐसा बहुत सारी उन्होंने कथाएं की है, लेकिन एक आपको बताता हूँ। तो गोपियाँ क्या है अपने घर में, तो माता कहती है अगर वो आके चोरी करते हैं तो आप लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे बांधो ना उसके मटकों को, बोले तो ऊंचे ही बांधते हैं हम लोग, अंधेरे में रखते हैं, लेकिन फिर भी ये आता है ना तो बहुत बड़ा प्रकाश आता है इसके साथ में, अंधकार में रूप प्रकाशमान हो जाता है और उसमें से माखन चोरी करता है। बोले तो मैं भी उतार दो क्या गहने, बोले तो नहीं नहीं तुम गहने उतार दोगे तो शरीर से प्रकाश आता है, क्या करे समझ में रहता, आप क्या कह रहे हो और मुझे क्या करना चाहिए समझा दो मुझे। आप एक दिन वो कहते चलो तू पकड़ लेते हैं, तो सारी मटकों को ना घंटी बांध देते हैं और घंटी बांध के घंटी को कह देते हैं कि जब ये खाएंगे ना कुछ खाएंगे जोर से बजना, जोर से बजेगा तो फिर हम आएंगे और पकड़ेंगे। तो फिर ये जाते हैं चुपके, और सब बाल बाल आते हैं, और जैसे ही ग्वाल बालों को कृष्ण भगवान बोलते हैं चलो खाओ सब लोग, तो ग्वाल बाल सावधान करते हैं, देख रहे हो घंटी चल रही है उसके ऊपर, तो भगवान कहते कोई बात नहीं हम घंटी से बात करें, तो आप लोग कहेंगे घंटी किससे बात करते हैं। तो शास्त्रों ने भाव दिया है कि सारे वस्तुएं जो भगवान के धाम में वो चैतन्यमय जीवित हैं, सब कोई वस्तु मृत नहीं है, कोई जड़ वस्तु नहीं, हर वस्तु जो है वो भगवान की पार्षद है और चैतन्यमय है, खाली हमारा दिमाग जो है वो जड़ है, बाकी सब कुछ चैतन्य। इसलिए आज भी मंदिरों में वैष्णव मंदिरों में ब्रज में झाड़ू लगाने वाले को, मंदिर में सेवा करने वाले को और घंटी दीपक बर्तन ऐसे वस्तुओं को पार्षदिया कहते हैं, पारखदिया कहते हैं, जो ये सेवा देते हैं। झाड़ू को भी चिन्मय माना गया, जो मंदिर में झाड़ू होती है ना वो भी भगवान की पार्षद, भगवान की सेविका है, उसको लेकर झाड़ू मारने वाला भी पारखदिया नहीं पार्षदिया के रूप में जाना जाता है। तो अभी ठीक है, वो घंटी से कहते थे वो घंटी मर्यादा तो ये है कि तुम्हें बजना चाहिए जब मैं खाता हूँ, लेकिन आपका मेरा रिश्ता क्या है, तो घंटी कहती आप मेरे स्वामी मैं आपका दास हूँ, मैं आपके दास हूँ। स्वामी का कार्य क्या होता है, घंटी कहती है कि आदेश देना, दास का काम क्या होता है, आदेश का पालन करना। स्वामी कौन है, आप है, मैं आपको आदेश देता हूँ कि मर्यादा होने पर भी जब हम दूध पियेंगे तब आपको नहीं बजना है। स्वामी आप स्वामी है, आपकी इच्छा है तो नहीं बजेंगे। तो सारे ग्वाल बाल टूट जाते हैं, टूट पड़ते हैं, सब लोग दूध पीने लगते हैं, और आखिर में जब कृष्ण दूध पीने जाते हैं तो वो ना क्या करते हैं, दूध पीते पीते ना वो एक छेद करते हैं उसको, देखो कैसा है ना बालक लोग कभी वैसा स्ट्रेट फॉर्ड एक्टिविटी नहीं करते, वो ना ऐसा खेलते खेलते उड़ाते उड़ाते मस्ती करते करते करना है, तो उनको लगे भाई धार बनाएंगे उसके बाद धार ऐसी पिएगा, जब धार बनाते हैं तो मटका ऐसे ऐसे हिलता है, तो कुछ समय धार मुँह में आती है
उस समय सर पे गिर रही है, उस समय पीछे गिर रही है, उस समय आगे गिर रही है, कुछ मुँह में गिर रही है, कुछ मुख्य आगे गिर रही है, मतलब ऐसे धार ऐसे चल रही है। और वो आ करके खड़े हैं तो आगे पीछे तो भगवान का अभिषेक भी हो रहा है, भगवान के मुँह में भी छाछ जा रहा है, तो घंटी जो है ना वो भाव विभोर हो जाती है ये दृश्य देखकर कि देखो एक साथ भगवान दूध की चोरी भी कर रहे हैं, दूध पी भी रहे हैं, उनका अभिषेक भी हो रहा है, सब भूमि उस दूध से सिंचित हो रही है, तो वो भूल जाती है और जोर जोर से बजने लगती है आनंद से। तो उनको माखन चोरी का आनंद देने का भी एक प्रयोजन है उनके मन में, तो सोचते पूरे विश्व को आनंद दूंगा मैं, लेकिन पहले मेरे मैया को दूंगा, इसलिए माखन चोरी का करियर अपने घर से शुरू करते हैं। अभी छोटे छोटे हैं वो, ज्यादा लंबा मतलब चलना भी उनके लिए मुमकिन नहीं, चलने खड़े हो जाते हैं गिर जाते हैं, कुछ चलते हैं कदम फिर गिर जाते हैं। ऐसी अवस्था में हमारे अंदाज के अनुसार 7-8-9-10 महीने के हैं, यानी उस समय के, तो पूरा बड़ा घर है उनका, महल है, पूरा दालन है, उसके अंदर कई बड़े बड़े मटके मक्खन के गोले भर कर रखे हुए हैं। उस समय सारे मक्खन के मटके जमीन पर ही हुआ करते थे, उनको ऊपर रखने का कल्चर तब शुरू हुआ जब इनकी चोरी शुरू हुई, तब दूरियां बनी, तब वो अरेंजमेंट किया गया और उसको और लंबा और ऊंचा रखने का प्रयास किया गया, लेकिन सब तो सब जमीन पे ही थे। तो ये गए वहाँ पर, एक खुला बड़ा पात्र, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े गोले। आपने कभी ब्रज में जाके मक्खन खाया क्या? तो ब्रज में आप भोजन करते ना कभी? तो नहीं खाया अभी तक। वो मक्खन गोले के रूप में उसको दौड़ गए। मैंने भी बाबा के गौशाला में भोजन किया है, तो उनको इतना बड़ा मक्खन का गोला, 1-2-3 चाहे उतना ले सकते, बड़े बड़े गोले, तो वो गोले बनाकर उसको स्टोर करते, तो उसने बड़ा गोला निकाला, इतने में क्या निकाला, एक और लड़का भी दिख रहा है खंभे में दिख रहा है, क्योंकि खंभा जो है मणियों से बना, तो मणियों से बनने से वो आईने का काम भी कर रहे हैं, तो अपनी परछाई देख रहे हैं, लेकिन इसको पता नहीं कि मेरी परछाई है। उसको लगा कि अरे बाप रे, माता ने तो पहले ही पहरा देने के लिए एक बालक को यहाँ खड़ा कर दिया, तो अभी उसको पटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये माता को बताएगा अपनी ड्यूटी के अनुसार तो माता मुझे डांटेगी, मार भी देगी। तो कहते हैं दिखाता है उसको, मैंने जो चोरी की है वो मैं तुमको आधा दूंगा, अब भैया को मत बोलना, तो भैया पीटेंगे। तो वो भी उसको दिखाता है अपने हाथ में, अरे मेरे पहले से तूने भी चोरी करके रखा है, तो हम मिलके खाएंगे, मैं आपका नाम नहीं बताऊंगा, आप मेरा नाम नहीं बताना, ऐसे चल रहा है चर्चा। तो भैया पीछे से देख रही है, तो कहते अरे कन्हैया, हाँ क्वासी कृष्ण क्वासी 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 कृष्ण कन्हैया कहाँ हो, तो वो जवाब नहीं देते हैं। तो किम किम पितृति, इसका अनुवाद पता है क्या है, अरे मेरे बाप कहाँ हो, किम पितृति क्वासी कृष्ण ये बिलगुमल ठाकुर ने भाव दिया है। तो पता चला कि माँ पीछे से खड़ी है, तो भैया कहते अरे तुम तेरे ही प्रतिबिंब से बात कर रहे हो और तुम ही चोर हो, कोई मैंने पहरेदार रखा नहीं है। बोले भैया तुम बड़ा गंभीर हो गए कृष्ण, भैया मैं बड़ी समस्या में हूँ। भैया कहती है बालकों को समस्या नहीं होती है, अरे बड़ों को समस्या होती है। तुझे क्या समस्या है? मुझे दो समस्या है, एक समस्या ये है कि हमारे घर में एक चोर आया है जो तुम्हारे जानकारी के बिना यहाँ माखन चोरी कर रहा है, आपको सावधान करना चाहता हूँ, और दूसरी समस्या मेरे पास बहुत बड़ी है। अभी देखो नटखट बालक गंभीर बना हुआ है, वो कह रहा है तुमने मुझे जो जो ज्वेल्स रत्न पहने हैं ना, वो कौन से जो जलाते हैं वो जल, हाँ वो मणिया आपने पहने के रखे हैं, वो मेरा हाथ जला रहे हैं, और मैंने किसी से सुना था कि मक्खन में हाथ डालने से अग्नि शांत हो जाती है, तो मैंने फिर यहाँ आकर मेरे हाथ इतने जल रहे, देखो कलाई जल रही है, दोनों हाथ डाल दिए। तो भैया कहते हैं वो मैं समझ गया कि तुम्हारा हाथ जल रहे थे, अभी तुम मणि निकालोगे, मैंने मणि रहने दो, मैं मक्खन में हाथ डालू ठंड हो गए, ऑटो भी लगा हुआ मक्खन कहाँ से आया। वो कहते हैं कि जब मुझे पता चला कि हाथ में लगी हुई अग्नि बड़े ही परिणामकारक रीति से इस मक्खन में डुबाने से नष्ट हो गई है, तो मुझे लगा कि पेट की अग्नि भी ये ठंडा कर सकता है। तो मैंने कुछ मक्खन का गोला लेकर मुंह में डाला, और हकीकत में वास्तव में
मेरे पेट के अभी शांत हो गया। मैं बोलती हूँ बड़े सयाने हो गए हो, और अभी कृष्ण को पता है कि मैया को पता है, और कृष्ण को ये भी पता है कि मैं उनको बहकाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये भी पता चल रहा है कि मैया को समझ में आ रहा है सब कुछ, क्योंकि वो अपना नाटक छोड़ते नहीं है। लेकिन दिन कहते हैं कोई बात नहीं, आप दूध पी लो, उसको स्तनपान करा दिया है। बहुत देर के बाद स्तनपान करा के देखती कि भैया भी ठंडे हो गए। एक बार कृष्ण पूछते हैं भैया को कि भैया आप किसकी भैया हो? आपकी भैया हो। और बाबा किसके हैं? वो भी आपके बाबा हैं। बोले घर किसका है? घर भी तुम्हारा है। एक गैया किसकी है? वो भी तुम्हारी है। अरे ये सब पूछ रहे हो क्यों? ये सारा ब्रज तुम्हारा है, सारी गोपियां तुम्हारी है, सारी ग्वाल बाल तुम्हारे है, सारी गैया तुम्हारी, हमारी गैया, सबकी गैया, सब कुछ तुम्हारा है। तुम ही कह रही कि सब कुछ मेरा है, तो मेरे घर का माखन मैं ही अगर लूट के खाओ, चोरी करके खाओ, मार के खाओ, बैठ के खाओ, तो आप मुझे चोर क्यों कहती हो? क्योंकि भैया क्या कह रही है, मैं वो शांत होकर शांति में बैठे हुए भैया कह रहे हैं, देखो तुम्हारा नाम बहुत बदनाम हो रहा है, तो सारी गोपियाँ हैं ना तुम्हारे विषय में सब कुख्याति फैला रही है, आप बड़े कुख्यात हो गए हो, आपकी ख्याति बहुत खराब हो रही है कि आप चोर हो, अभी सब जगह तुम्हारी चोर है ऐसी ख्याति हो जाएगी, तो तुम्हारे साथ विवाह कौन करेगा? अपनी बेटी चोर को कोई दे सकता है क्या? कि नंदन को लाला चोर है, देखो मैं नहीं चोरी करती, बाबा नहीं चोरी करते, दाऊ भैया चोरी नहीं करते, और तुम चोरी करते हो, लेकिन तुम चोरी करने से हम सारे बदनाम हो रहे हैं, तो तुम्हें लड़की नहीं कोई देगा? तो कृष्ण जोर से रोने लगे, बहुत जोर से रोने लगे, क्या कि लोगों के द्वारा खबर फैलाने के पहले तुमने ये स्वीकार कर लिया कि मैं चोर हूँ, तुमने मोहर लगा दी कि मैं चोर हूँ, इसका मुझे बड़ा दुख है। अगर तुम अगर नहीं मानती कि मैं चोर हूँ, तो मैं दूसरों से बात विवाद करता कि मैं चोर नहीं हूँ, पर आज तुमने ही कह दिया है कि सब कुछ मेरा है, तो मैं कैसे चोर बन गया? तो मैया कहती है, अरे इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाई तेने, बड़े बुद्धि वाले हो तुम, तो अभी फिर एक बार क्या हुआ, थोड़े से बड़े हो गए तो जरूर